राहुल गांधी पर पीएम मोदी का तीखा हमला, कहा कांग्रेस के युवा नेता सीख रहे हैं भाषण, जब तक नहीं बोलते थे पता नहीं चलता था पैकेट में क्या है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह पर साधा निशाना, बोले नोट बैन का विरोध कर मनमोहन सिंह ने अपना रिपोर्ट पेश किया। पी चिदम्बरम से पीएम मोदी का सवाल, पूछा देश में बिजली नहीं है कि बात करने वाले चिदम्बरम बताएं कि बिजली नहीं पहुंचाने के लिए दोषी कौन। नोटबैन विरोधियों पर बड़ा हमला, पीएम ने कहा नहीं सोचा था कुछ नेता बेईमानों के साथ खड़े हो जाएंगे नोटबंदी के विरोध में, बन रहे पाकिस्तान जैसी रणनीति। वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी, बीएचयू में पीएम का ऐलान, बनारस को मिलेगा विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान। वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं की रखी बात, स्वागत करने आए कार्यकर्ताओं के साथ खिंचवाई तस्वीर। पीएम मोदी बनारस में बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ लंच भी करेंगे, कार्यकर्ताओं से कहा अपना टिफिन बॉक्स साथ लाएं। यूपी में 17 पिछड़ी जातियों को मिलेगा एससी का दर्जा, चुनाव से पहले अखिलेश सरकार का बड़ा दाव। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरुणा रिवर फ्रंट का किया लोकार्पण, अखिलेश के नए दफ्तर में कार्यक्रम। चुनाव आयोग की सरकार से सिफारिश, राजनीतिक दल पैसों की लेन देन और अकाउंट का खर्च का ब्यौरा दें, ऑडिट रिपोर्ट आयोग को भिजवाएं, चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव आयोग ने सुझाव में कहा सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को मिले चंदा, चंदा देने वालों का नाम पता और पैन नंबर हो। चुनाव आयोग की सिफारिश, गलत एफिडेविट और चुनाव में रिश्वत पर 2 साल की हो सजा, चुनाव से पहले एग्जिट पोल पर लगे रोक, ओपिनियन पोल पर एक हद तक रोक लगे। बिजनेसमैन पारस मल लोढ़ा मुंबई से गिरफ्तार, 25 करोड़ के पुराने नोट बदलवाने के आरोप में ईडी का शिकंजा, रोहित टंडन और शेखर रेड्डी का नोट बदलवाने का आरोप। चेन्नई एयरपोर्ट पर डीआरआई को मिली बड़ी कामयाबी, 5 लोगों के पास से जब्त किए गए 1,34,00,000 रुपए के नोट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 31,00,000 रुपए बरामद, 500 और 1,000 के सभी पुराने नोट, एक व्यक्ति भी हिरासत में। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी राम मोहन राव के घर पर रात भर चलती रही पड़ताल, खनन कारोबारी शेखर रेड्डी से कनेक्शन को लेकर पूछताछ। आज से जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक, वित्त मंत्री जेटली करेंगे अध्यक्षता, सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल। जीएसटी काउंसिल की बैठक में दोहरे नियंत्रण पर होगी चर्चा, अब तक हुई 6 बैठकों में 20 अध्यायों को मिल चुकी है मंजूरी। नोटबैन पर आज वित्त मंत्रालय की संसदीय समिति की बैठक, लेकिन मीटिंग में नहीं शामिल होंगे आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2017 का कैलेंडर किया लॉन्च, दिल्ली में समारोह। टाटा स्टील से स्वतंत्र निदेशक के पद से नुस्ली वाडिया की छुट्टी, टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स ने लिया है फैसला। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी आज यूपी में रैली, राहुल बहराइच में जन आक्रोश रैली को करेंगे संबोधित। जी न्यूज से खास बातचीत में नीति आयोग के सीईओ ने कहा भारत को आगे बढ़ाने के लिए कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की जरूरत, मार्च तक सभी लोगों को आधार कार्ड बनवाना जरूरी, तभी मिल पाएगी सब्सिडी, सूत्रों के हवाले से खबर। केंद्र ने राज्यों को आदेश जारी किए, पिछले 40 दिनों में बैंकों ने जारी किए करीब 6,00,000 करोड़ रुपए, 10 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच का है आंकड़ा। वित्त मंत्रालय का बैंकों को आदेश, 1,000 से ज्यादा रकम ट्रांसफर करने पर एनईएफटी न वसूले ज्यादा चार्ज। डिजिटल वॉलेट कंपनी पेटीएम से धोखाधड़ी, सीबीआई ने दर्ज किया नया केस, 7 लोगों ने पेटीएम को ठगा। दिल्ली में घात लगाए बदमाशों ने युवक की बेरहमी से की हत्या, मैरूली की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में असिस्टेंट मैनेजर था मृतक ब्रजभूषण प्रसाद, परिवार वालों ने कहा नहीं थी किसी से दुश्मनी। थाने क्राइम ब्रांच ने की बड़ी कार्रवाई, 2 व्यक्ति गिरफ्तार, 9 किलो यूरेनियम जैसा पदार्थ बरामद, कीमत 27 करोड़। बरामद रेडियो एक्टिव पदार्थ का एटॉमिक प्लांट में होता है इस्तेमाल, खुले बाजार में बिक्री है गैर कानूनी, पूछताछ में जुटी पुलिस। वाराणसी के सेंट्रल बैंक में महिला के अकाउंट में 81,00,000 रुपए ट्रांसफर और निकालने का खुलासा, अकाउंट में थे सिर्फ 11,000 रुपए, बैंक ने बताया प्रिंटिंग की गलती। यूपी के संभल में बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की मौत, बैंक कर्मचारी पर टाल मटोल करने का लगा आरोप। मेरठ में सिंचाई विभाग के इंजीनियर के लॉकर की जांच शुरू, 2,62,00,000 रुपए मिले, बरामद नोटों में 17,00,000 की नई करेंसी। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पुलिस ने 70 मजदूरों को छुड़ाया, 13 नाबालिग लड़कियां भी शामिल, 5 दलाल गिरफ्तार किए गए। रांची यूनिवर्सिटी चुनाव में एबीवीपी
आजसू का परचम, गठबंधन ने सभी 5 सीट पर जीत हासिल की। मुरादाबाद नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए कई आवेदन, ग्रेजुएट के प्रैक्टिकल के नाम पर युवकों को बिना सुरक्षा के नाले में उतारा गया। उत्तर भारत में कोहरे ने रोकी रेल की रफ्तार, दिल्ली आने वाली 33 ट्रेनें देर से चल रही हैं, 3 के वक्त में बदलाव किया गया है। यूपी के बिजनौर में बीएसपी नेता अरशद जैदी के होटल में अय्याशी के अड्डे का पर्दाफाश, 5 लोग पकड़े गए, सील किया गया होटल। हिमाचल के संजौली में जंगलों में आग, काफी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। यूपी के शामली में किसान से मारपीट, ब्लॉक ऑफिस में शराब की पार्टी कर रहे थे ऑफिसर्स, किसान के सवाल पूछने पर हुई पिटाई। मध्य प्रदेश के सागर में मिड डे मील बनाने पर दलित महिला की पिटाई, मुरमुरिया गांव की घटना, कलेक्टर ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के दिए आदेश। जौनपुर में एक दुकान के अंदर प्रेमी जोड़े की लाश मिली है, लड़के के पिता ने लगाया हत्या का आरोप, सुरागों के मामले में पुलिस अभी तक खाली हाथ। आतंकवाद के लिए फंडिंग जुटाने के लिए पाकिस्तान की नई साजिश, शक के घेरे में कई ट्रेडिंग कंपनियां, सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने एलओसी क्रॉस ट्रेडिंग मामले में दर्ज की शिकायत। प्रदूषण को मॉनिटर करने के लिए चीन का नया सैटेलाइट, देश के 40 शहरों का हाल बताएगा नया सैटेलाइट। पाकिस्तान ने भारत को दिया सीपीईसी से जुड़ने का न्योता, कहा दूसरे देशों की तरह भारत को भी पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ना चाहिए। चीन के शिनजियांग प्रांत से पीओके के रास्ते ग्वादर बंदरगाह तक बन रहा है कॉरिडोर, भारत ने किया है विरोध। पठानकोट हमले में आतंकी मसूद अजहर के खिलाफ चार्जशीट का भी चीन पर असर नहीं, कहा यूएन सुरक्षा परिषद के नियमों के मुताबिक ही कार्रवाई। अमेरिका में जल्द होगा हवाई सफर और सस्ता, निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की बैठक, कई कंपनियों के सीईओ ने भी लिया है हिस्सा। अक्षय कुमार की फिल्म जॉली एलएलबी 2 की बढ़ सकती है मुश्किलें, वकीलों के पेशे का मजाक उड़ाने को लेकर जयपुर में केस।